This video is sponsored by Pixtoons Animation Studio. देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल। दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ने के बाद 3 लाख पैसेंजर हर दिन हुए कम, RTI। 10 अक्टूबर को किराया बढ़ जाने के बाद दिल्ली मेट्रो से रोजाना सफर करने वाले 3 लाख पैसेंजर हर दिन कम हुए हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक RTI के जवाब में ये जानकारी दी। DMRC के मुताबिक अक्टूबर में रोजाना सफर करने वाले की तादाद 24.2 लाख हो गई, जबकि सितंबर में 27.7 लाख थी। बता दें कि दिल्ली NCR में मेट्रो का नेटवर्क 218 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। किस लाइन पर कितने पैसेंजर घटे? ब्लू लाइन। DMRC के आंकड़ों के मुताबिक द्वारका से नोएडा जोड़े जाने वाले इस 50 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर अक्टूबर में 30 लाख पैसेंजर कम हुए हैं। येलो लाइन। इस कॉरिडोर पर पैसेंजर्स की संख्या 19 लाख से ज़्यादा तक की घट गई है। येलो लाइन दिल्ली के समयपुर बादली से गुड़गांव के हुडा सिटी सेंटर तक करीब 48 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में है। वॉयलेट लाइन। अक्टूबर में इस लाइन पर 11.19 लाख पैसेंजर्स की कमी आई है। ये लाइन करीब 40 किलोमीटर लंबी है और दिल्ली के RTO से फरीदाबाद को जोड़ती है। रेड लाइन। दिलशांग गार्डन से रिठाला तक जाने वाली इस मेट्रो कॉरिडोर का अक्टूबर में 7.5 लाख पैसेंजर कम हुए हैं। ये कॉरिडोर करीब 34 किलोमीटर लंबा है। कितना किराया बढ़ाया? इस साल 10 अक्टूबर को दिल्ली मेट्रो ने करीब करीब सभी डिस्टेंस स्लैब्स के लिए कस्टमर में 10 रुपये की बढ़ोतरी कर दी। ये बढ़ोतरी 5 महीने पहले किराए गए में की गई 100% की बढ़ोतरी के बाद हुई। मई में इस बढ़ोतरी के चलते मेट्रो में 1.5 लाख पैसेंजर्स की हर दिन कमी दर्ज की गई थी। धन्यवाद।